यासर भाई कुछ गैस आपने कितना बायोलॉजी में किया था आउट ऑफ 60, मैंने सबके क्वेश्चन किए थे उसमें बायोलॉजी में, मतलब आप उस 60 में से कितने उसमें ठीक थे? तो 60 आउट ऑफ 60। देखिए इनको 60 आउट ऑफ 60 और बाकी जो इसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री है उनमें अगर मिला के देखें तो 56 के आसपास उन्होंने स्कोर किया है। वेलकम डियर स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका वाइस ऑफ हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए वीडियो। हमारे साथ जो है अभी यहाँ पर जो है जुड़े हुए हैं यासर फारूक, जिन्होंने पिछले साल जो है बीएस नर्सिंग का एंट्रेंस जो है वो क्वालिफाई किया है। ये सिक्किम्स में बीएस नर्सिंग कर रहे हैं, तो अभी मैं आपके इनके साथ इंटरेक्ट करूंगा इस वीडियो में। आपको ये बताएंगे टिप्स उन्होंने कैसे प्रिपेयर किया। पहले मैं बता देता हूँ, इन्होंने 2022 में भी दिया था तो उसका एक्सपीरियंस भी ये बताएंगे। फिर उन्होंने सर 2023 मैंने में काफ़ी 58 इनकी 2022 रैंक में है। आप दिया था पिछले तो साल की मेरिट लिस्ट देख लेना, पहले मैंने यासर अभी फारूक वो इनका करा नाम था है। कि मैंने तो पढ़ा, यासर भाई मैं स्वागत है आपका करूंगा, चैनल मैं पर। बीएससी बीएससी कर रहा था कॉलेज में, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज डिप्लोमा में। तो यासर भाई मैंने आप ऐसे थोड़ा ही अपना जॉब कर एक्सपीरियंस लिया शेयर था, करिए कि तो मतलब आपने पहले जब मैंने 2022 एग्जाम में भी दिया दिया था था तो तो उसमें तब क्या हुआ ट्वेंटी था नाइन आपके साथ? पॉइंट्स आए थे। फिर मैंने सोचा अपना कुछ पढ़ना है तो तभी सिलेक्शन हो जाएगी। फिर जब मैंने थोड़ी मेहनत की तो मैंने पूरा सिलेबस देखा कि चैप्टर में कितने क्वेश्चन आते हैं, हर एक चैप्टर के एनालाइज की मैंने, हर एक चैप्टर में किसी में 4 क्वेश्चन आते थे, किसी में 5 क्वेश्चन आते थे। ह्यूमन फिजियोलॉजी एनाटॉमी में जब मैंने उनकी देखी तो कितने कितने क्वेश्चन आते थे, तो मैंने उसी की तरह से प्रिपरेशन की। ज़्यादा फोकस आपने किस पे किया? आपने बायोलॉजी में ज़्यादा फोकस किया, फिजिक्स में किया, केमिस्ट्री में किया, किस में आपने ज़्यादा फोकस दिया? क्योंकि आपके मार्क्स जो हैं काफ़ी अच्छे थे। मैंने ज्यादा फोकस किया बायोलॉजी और केमिस्ट्री में। आपके मार्क्स कितने थे? 58 आपकी रैंक थी, तो मार्क्स इस पे आपके कितने थे? मुझे 2023 में थे 116। तो 116 पॉइंट्स इनके थे और रैंक 58 थी। और आप सिक्किम्स में अभी पढ़ रहे हो बीएस नर्सिंग, आप वहीं पर कर रहे हो। जी, फर्स्ट सेम चल रहा है मुझे सिक्किम्स में, रमन सर। तो 2022 में इनका जो है नहीं हुआ था, इन्होंने 2023 में फिर से ट्राई किया और उन्होंने अच्छे से पढ़ा और बायोलॉजी में उन्होंने ज़्यादा फोकस किया। यासर भाई कुछ गैस आपने कितना बायोलॉजी में किया था आउट ऑफ 60, मैंने सबके क्वेश्चन किए थे उसमें बायोलॉजी में, मतलब आप उस 60 में से कितने उसमें ठीक थे? तो सिक्सटी आउट ऑफ 60। देखिए इनको 60 आउट ऑफ 60 और बाकी जो इसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री है उनमें अगर मिला के देखें तो 56 के आसपास उन्होंने स्कोर किया है फिजिक्स और केमिस्ट्री में। इनका जो मेन है स्कोरिंग सब्जेक्ट वो बायोलॉजी है। ऐसे ही अगर आपका भी कोई सब्जेक्ट मेन स्कोरिंग है, अगर फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और बायोलॉजी है, तो उसको आप अच्छे से फोकस करिए, क्योंकि उन्होंने भी बायोलॉजी को काफ़ी अच्छे से पढ़ा है, उनके टॉपिक्स डिटेल में पढ़े हैं। तो तभी उन्होंने बायोलॉजी में आउट ऑफ 60 काफ़ी यहाँ पर जो है अच्छी बात है इनके लिए, क्योंकि 60 में से उन्होंने 60 मार्क्स लाए हैं बायोलॉजी में और बाकी में उन्होंने 56 लाए हैं। यासर भाई कुछ एक्सपीरियंस आप ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहेंगे कि इनको कैसे पढ़ना चाहिए, क्योंकि अभी 2024 के फॉर्म भी 26 तारीख को टेंटेटिव आने वाले हैं। जी बस मैं ये कहना चाहता हूँ कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना है। ये नहीं मतलब कि आज पढ़ेंगे तो कल ब्रेक देंगे, परसों पढ़ेंगे तो फिर से ब्रेक। 2 मंथ्स काफी है इसके लिए, वो भी एग्जाम के लिए। बायोलॉजी कंप्लीट करनी है, दूसरे तो थोड़ा फोकस करना है और केमिस्ट्री पे, ऑर्गेनिक फिजिकल और इनऑर्गेनिक पे। और जो रही फिजिक्स की बात रही तो मॉडर्न के लिए। तो ये थे यासर फारूक हमारे साथ। थैंक यू यासर भाई हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए और ये टिप्स शेयर करने के लिए।